इस टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे ऑन हाउ टू डू वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन WooCommerce. बट बिफोर आई गो डीप इनटू दिस लेट्स डू अ रीकैप ऑफ व्हाट WooCommerce इज एंड व्हाट्स द ई-कॉमर्स लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान. क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में द ई-कॉमर्स मार्केट is about to touch more than $2 billion. It's such a huge market. तो आप थोड़ा सोचें और थोड़ा इस पर टाइम स्पेंड करें कि आप कैसे इस e-commerce industry का पार्ट बनेंगे and how you would make money from this great digital economy. और e-commerce is something that's quite changing. दुनिया जैसे जैसे बदल रही है साथ साथ ई कॉमर्स मार्केटिंग भी चेंज हो रही है. अब नए नए टूल्स आ रहे हैं, टूल्स लाइक फेसबुक, टूल्स लाइक गूगल, गूगल एडवर्ड्स, जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी सेल्स को ड्राइव करेंगे. सो कीप वन थिंग इन माइंड कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग WooCommerce. ई कॉमर्स का एक पूरा इकोसिस्टम होता है और आपने इस पूरे इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करना है. अगर आपने इस इकोसिस्टम का चैंपियन बनना है तो आपको इस इकोसिस्टम में जो सारे प्लेयर्स हैं, इस इकोसिस्टम में जो सारे एक्टर्स हैं, इस ई-कॉमर्स सिस्टम में जो पूरे टूल्स हैं, उनको समझना होगा. WooCommerce इज जस्ट वेरी सिंपल पार्ट ऑफ इट, बट देयर अदर्स इज वेल. अगर आपको याद होगा मैंने आपको पूछा था कि व्हाट्स द कॉमन थिंग अमंग ऑल सक्सेसफुल पीपल is that they had an objective, they had a very clear goal and they had a very clear vision. इसी तरह अगर आपने एक successful e-commerce website बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने e-commerce website किस तरह की बनानी है, किसके लिए बनानी है, क्यों बनानी है, क्या सेल करेंगे आप वहाँ पर, किससे पैसे बनाएंगे, किस तरह लोगों को अपना product deliver करेंगे. These are all very super crucial questions that you should answer before making a successful WooCommerce product listing website. Before I go deep into variable products kya hote hain, let's try to do a quick recap. Ke abhi maine aapko kaun kaun si sites dikhai. Bhai aap is pe physical products ki ek site bana sakte hain, ek aisi site जिससे आप फिज़िकल गुड्स सेल कर सकते हैं. आप एक ऐसी साइट बना सकते हैं जिससे आप हो सकता है एक्सेसरीज सेल कर रहे हो सकता है आपके शहर में आर्ट्स और ट्रेड का बहुत ज़्यादा काम हो, आप उसके लिए एक WooCommerce की वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं. हो सकता है आप राइटर हो और आप अपनी बुक लिख के उसको सेल करना चाह रहे हैं तो आप डिजिटल डाउनलोड्स के लिए भी एक WooCommerce वेबसाइट बना सकते हैं. सो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस एंड द ओनली लिमिटेशन इज योर माइंड. अपने माइंड को जरा खोलें, अपने आगे ह्यूज सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज को रियलाइज करें टू मेक द राइट WooCommerce वेबसाइट दैट्स गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल एंड मेक पाकिस्तान नंबर वन इन द ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी. अब आते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग पे. वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या है? अ वेरिएबल प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट जिसकी बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस या वेरिएशंस हो. इसकी एक सिंपल एग्जांपल क्या हो सकती है? सिंपल एग्जांपल इज अ टी शर्ट. जब आप टी शर्ट लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं ना कि इस टी शर्ट का साइज़ क्या है, ये टी शर्ट किस कलर में अवेलेबल है. इसी तरह WooCommerce अलाउज यू टू एड प्रोडक्ट्स विच हैव अ वेरिएशन. इसको हम कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग. वेरिएबल प्रोडक्ट लिस्टिंग से आप एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट तरह की वेरिएशंस को ऐड कर सकते हैं. हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों ये वेरिएशंस ऐड कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर आवर यूजर्स. आप यूजर्स को चॉइस देंगे, यूजर्स को खुश करेंगे तो यूजर्स वुड कम एंड डू अ ट्रांजेक्शन ऑन योर वेबसाइट. और जैसे जैसे यूज़र्स आएंगे, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होंगी, जैसे जैसे आप पैसे बनाएंगे, यू विल बिकम सक्सेसफुल.
So it's important to understand the difference between a simple product listing, which we just discussed in our previous topic, and variable product listing. So, ho sakta hai aapke zehen mein yahan pe question aaye ki kya har product variable product hai? Zaruri nahi hai. Aapne dekhna hai product listing karne se pehle ki kya us product ki kisi tarah ki koi variation exist karti hai ki nahi karti. Aur agar variation exist nahi karti, so that would be a simple product listing, jo ki humne previous topic mein discuss kiya. Is topic mein hum focus kar rahe hain variable product listing pe, aur ye do features hain jo WooCommerce ki badi main features hain. Aur saath hi saath aur bahut sari features jis pe maine aapko pehle bhi bataya ki WooCommerce is super secure. Why? Because it's owned by WordPress itself and the creators of WordPress. It's highly stable. It's very fast. So, ye sari features ka ek rundown karein. Dekhein ki kaun si features aapne apne WooCommerce system mein use karni hai. Agle topic mein hum payments bhi discuss karenge. Yaad rakhiyega ki WooCommerce is pretty complex. Aap WordPress expert to bani sakte hain, but aap WooCommerce expert bhi ban sakte hain. And in the rising digital economy, you can become an expert of all these different things. So, koshish karein ke detail mein samjhein, detail mein jayein, take a deep dive into understanding things, into learning things, into giving a hands-on try to all these features of WooCommerce and WordPress. So now, we are going to go live, taki hum live ja ke dekhein ke variable product listing kya hai, aap isko kaise explore kar sakte hain, WooCommerce pe kaise isko enable kar sakte hain, and how you can use the variable product listing feature to create an amazing WooCommerce ready WordPress website. So bhai hum baat kar rahe the variable product listing ki. So I'll just go on Google and search for variable product listing WooCommerce. And I'll see ki mujhe aage kya milta hai. What are some of the results? So sabse pehle mujhe ek variable product listing ki documentation mili on WooCommerce, jo ki mujhe bata rahi hai ki variable product kya hota hai, kaise main add kar sakta hun. So I'm going to do a recap of this and then I'm trying to show you this live on my WordPress website ki variable product listing kya hoti hai. So variable products are a product type in WooCommerce that lets you offer a set of variations of a product with control over prices, stock, image and more for each variation. So jis tarah maine aapko ek t-shirt ki example di, kabhi ek t-shirt hai, uske different size honge, small, medium, large. Or agar aapko zyada khane ka shauk hai to ho sakta hai XL ya double XL. Lekin the whole point is ke aap different variations apni add kar sakte hain ek product mein. Aur isko aap add karenge from within WooCommerce. So you'll go to WooCommerce products, you'll add a new product aur aap ya kisi ek product ko edit bhi kar sakte hain, and there is product data jiske andar aap variable product ko list kar sakte hain. And simple product bhi hai, group product bhi hai, external affiliate bhi hai, aur aap us variable product ki different variations ko dal sakte hain. This is a simple way in which you can do this. Baki kuch documentation hai, usko aap detail mein jaake study kar sakte hain, values aap add kar sakte hain, variations hai, aap manually variations ko add kar sakte hain, aap variations ko edit kar sakte hain agar aap karna chahein, aap default variation setup kar sakte hain. Variation ka ek pura data hai jisko aap badi detail mein add kar sakte hain. SQs hain, back orders hain, stock hai. Back orders kya hote hain? Back orders hote hain ki agar aapke paas stock mein ek cheez nahi padi hui to would you allow someone to order, place an order on your website? Wo bhi aap enable kar sakte hain. So bahut sari ye different tarah ki features hai aur aap ek duplicate bhi kar sakte hain ek variable product ko, bulk editing bhi kar sakte hain. Ye unhone ek example dikhai hui hai ki agar aapke paas ek variable product hai तो वो कैसा दिखेगा, वहाँ पे कलर आ गया है, स्टॉक आ गया है, तो यू कैन, और कुछ FAQs हैं जो भी इम्पोर्टेंट है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो बैक टू आवर वेबसाइट जो कि है digiskills.pk/webhostapp.com और उस पर आपके साथ आई विल ट्राई टू इनेबल फर्स्ट ऑफ ऑल WooCommerce और साथ ही साथ मैं वेरिएबल प्रोडक्ट को ऐड करने का एक्सपेरिमेंट एक आपके सामने करूँगा. So here I'll write
WooCommerce and I'll search for this plugin. और उम्मीद है अभी तक आपने WooCommerce अपनी वेबसाइट्स पे इंस्टॉल कर लिया होगा. सो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. इट वाज अपडेटेड 4 days ago. आप देख सकते हैं कि इसकी 1 million एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं. सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट और द सॉर्ट ऑफ प्लगइन व्हिच इज वाइल्डली एक्सेप्टेड बाय द ग्लोबल वर्डप्रेस कम्युनिटी, व्हिच मींस इट्स वेरी सिक्योर, व्हिच मींस इट्स वेरी स्टेबल, व्हिच मींस इट हैज अ बिग कम्युनिटी अराउंड इट. तो जैसे ही मैंने इसको इंस्टॉल किया वो मुझे कह रहा है कि रन द अपडेटर. सो आई क्लिक ऑन दैट. और चूंकि मैंने साइट पे एक दफ़ा WooCommerce पहले इंस्टॉल किया हुआ है, दैट्स वाई प्रॉबली इट्स नॉट शोइंग मी द फर्स्ट टाइम सेटअप. बट इधर आप देख सकते हैं कि इट्स नाउ गिविंग मी लोड्स ऑफ सेटिंग्स जिससे मैं चीज़ों को इनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू प्रोडक्ट्स एंड आई कैन क्लिक ऑन एड अ न्यू प्रोडक्ट. सो मैंने जब ऐड प्रोडक्ट्स क्लिक किया तो नाउ फ्रॉम हियर आई कैन क्रिएट माय फर्स्ट प्रोडक्ट. मैं क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा और जैसे ही इसने मुझे ऐड न्यू प्रोडक्ट की ऑप्शन दी है तो इट्स गिविंग मी एन आइडिया अ वॉक थ्रू कि मैं प्रोडक्ट की क्या क्या फीचर्स को एडिट कर सकता हूँ. तो आई कैन आइदर क्लिक नेक्स्ट और आई कैन जस्ट डिसमिस दिस. एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा का वो फील्ड है. यहाँ पे आई कैन सेलेक्ट अ वेरिएबल प्रोडक्ट और फिर मेरे पास इन्वेंट्री है, शिपिंग है, लिंक प्रोडक्ट्स हैं, एसकीयूज़ हैं, स्टॉक्स हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट की यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, प्रोडक्ट नेम है. आई कैन जस्ट ऐड ऑल ऑफ दिस एंड क्लिक पब्लिश टू ऐड अ वेरिएबल प्रोडक्ट. इन दिस टॉपिक यू लर्न हाउ टू ऐड अ वेरिएबल प्रोडक्ट. इसको यूज़ करें, देखें, ट्राई करें, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करें, पैसे बनाएँ. ट्राई टू मेक श्योर that you know you understand how WooCommerce works and iske sath sath hi community ke sath share kare aur ek dusre se seekhe, samjhe, grow kare, connect kare, learn kare and let's together make Pakistan the number one country in the global digital economy.